हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की रिजल्ट जारी हो गए हैं। रिजल्ट आपको कैसे देखना है इसके बारे में हमने पूरा वीडियो बना रखा है। दोस्तों, अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं हैं, यानी कि जो आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम नंबर आया हुआ है, या आपने जो आंसर शीट हल किया होगा उससे आपको कम नंबर मिला है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप जो है रिवोल्यूशन या रीचेकिंग करा सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का आपको रीचेकिंग कैसे कराना है, कितना फीस होगा, क्या प्रोसेस होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पुनर्गणन, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के जो दिनांक के 15 दिनों के अंदर, तो आप अपने रिजल्ट का रीचेकिंग और रिवोल्यूशन करा सकते हैं। दोस्तों, जब आप पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति मंगाएंगे, उसके लिए यहाँ पर अलग अलग फीस यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें पुनर्गणना की, तो उसके लिए आपको 100 रुपये का फीस यहाँ पर देने पड़ेंगे। वहीं पुनर्मूल्यांकन के लिए आपको 500 रुपये का फीस लगेगा। वहीं आप अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगाना चाहते हैं यानी देखना चाहते हैं, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर 500 रुपये प्रति यहाँ पर सब्जेक्ट लगेंगे। आदिवासी बहुल या नक्सली क्षेत्र के जिले के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो शुल्क में 50% का छूट दिया जाता है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार पर आना है और यहाँ पर आपको CGBSE या CG बोर्ड लिख के सर्च कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ बोर्ड की ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार से देख सकते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे तो विद्यार्थी कार्नर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही परीक्षा परिणाम 2024 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2024 और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम 2024 देखने को मिल जाएगा। अगर आप 10th क्लास में रिवोल्यूशन या रिटोटलिंग कराना चाहते हैं तो हाई स्कूल परीक्षा परिणाम पर आपको क्लिक करना होगा। वही आप 12th क्लास की रिवोल्यूशन या रिटोटलिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे मुख्य परीक्षा लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहां पर रिजल्ट चेक करने के ऑप्शंस आ जाते हैं। यहां पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा, बगल में कैप्चा कोड है उसको आपको एंटर करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट है आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम और आपके सारे डिटेल है देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सारे सब्जेक्ट और आपको कितना नंबर मिला हुआ है, सारा डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको जिस सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन या रिटोटलिंग कराना होगा उस सब्जेक्ट को देख लेना है। आपको ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपका जो पेपर अच्छा गया हुआ है लेकिन आपको कम नंबर मिला हुआ है, ऐसे सब्जेक्ट पर आप रिवोल्यूशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लिक फॉर RT, RV और PC लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन का पूरा डिटेल है यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका पूरा डिटेल है देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के नाम और उस सब्जेक्ट में आपको कितना कितना नंबर मिला हुआ है यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले रिटोटलिंग कराने के यहाँ पर फीस देख सकते हैं, 100 रुपये यहाँ पर दिया गया है। तो आपको जिस सब्जेक्ट पे रिटोटलिंग कराना होगा उस सब्जेक्ट पर इस प्रकार से आना है और यहाँ पर ये बॉक्स पे टिक का निशान है, यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इस प्रकार से फीस का अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप उस सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन यानी पुनः मूल्यांकन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप उस सब्जेक्ट के आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर फीस देना पड़ेगा। फीस के बारे में हमने पहले ही डिटेल में बात कर लिया है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि रिटोटलिंग यानी पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन क्या होता है। तो आपको बता दूं कि पुनर्मूल्यांकन यानी जिसे रिवोल्यूशन कहते हैं, इसमें दोस्तों आपके जो है आंसर शीट को दोबारा से चेक किया जाता है और नए सिरे से यहाँ पर मार्किंग की जाती है। वहीं बात करें कि यानी जो है पुनर्गणना की, इसमें दोस्तों केवल आपकी आंसर शीट के केवल नंबर को दोबारा से काउंट किया जाता है और जो नंबर काउंट होकर आता है वही आपके रिजल्ट में शो हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अभी यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है कि आप अपने आंसर शीट को भी यहाँ पर जो है उसकी फोटोकॉपी मंगा सकते हैं। तो उस आंसर शीट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पर कितने नंबर मिला हुआ है वह अभी आप पूरा डिटेल चेक कर पाएंगे। तो आप जो है तीनों प्रक्रिया करा सकते हैं।
दोस्तों जब आप अपने एंसर शीट को रीचेकिंग यानी पुनः मूल्यांकन कराएंगे तो उस कंडीशन में दो जो है चेकर द्वारा आपके जो एंसर शीट को चेक कराया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके जो है एंसर शीट में अगर आपका नंबर कम हो जाता है उस कंडीशन में आपके नंबर को कम नहीं किया जाएगा, जो आपको अभी मिला हुआ है वही नंबर रहेगा। तो दोस्तों आपको रीचेकिंग कराने के यही फायदे हैं कि अगर आपका नंबर बढ़ता है तो आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ नंबर मिलेगा, वहीं अगर आपका नंबर घट जाता है तो आपका नंबर को घटाया नहीं जाएगा बल्कि जो अभी नंबर है वही नंबर आपको दोबारा दे दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप पुनः गणना यानी रिटोटलिंग कराते हैं तो उस कंडीशन में जो भी आपकी नंबर होगी अगर आपका नंबर बढ़ेगा तो आपको बढ़ा हुआ नंबर मिलेगा, और अगर आपका नंबर कम हो जाता है तो आपके नंबर को यहाँ पर काट लिया जाएगा, जो आपकी जो एक्चुअल काउंट करने से नंबर आती है वही आपके रिजल्ट में अपडेट होके आ जाएगी। तो इसलिए आप जो है पुनः मूल्यांकन या पुनः गणना करते समय आपको इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद आपको जितने सब्जेक्ट में यहाँ पर रिलोशन या रिटोटलिंग कराना होगा यहाँ पर आप जो है इस प्रकार से सिलेक्ट कर देंगे। सारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे पूरा यहाँ पर जो है एड्रेस मांगा जाता है। अब एड्रेस में सबसे पहले आप अपना जो है हाउस नंबर डालेंगे, आसपास के जो है वार्ड का या मोहल्ले का नाम डालेंगे, अपने गाँव का नाम या जो है ब्लॉक का नाम डालेंगे, इसके साथ ही जिला, पिन कोड और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। और नीचे देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है JEE या दोस्तों ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप शामिल हुए हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप शामिल नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक नहीं करना होगा और नीचे आएंगे तो सबमिट के ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो अपने फॉर्म भरा होगा उसका पूरा प्रीव्यू है यहाँ पर आ जाता है। सारा डिटेल चेक कर लेने के बाद नीचे कंफर्म लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर जो है पेमेंट करने का पेज है आ जाता है। तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भुगतान करें लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अगर दोस्तों आप जो है जो भी आप फॉर्म भरे हैं उसमें आप एडिट करना चाहते हैं और सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो अभी भी यहाँ पर संशोधन करने पर क्लिक करके कर सकते हैं। अब जैसे आप भुगतान करने पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट गेटवे है यहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो SBI का नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप अपने ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। आपके पास अदर जो है बैंक का कार्ड होगा तो आपको अदर बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको दोबारा यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए कहा जाता है, आप यहाँ पर पूरा कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से कार्ड का डिटेल डालने का पेज है यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपना पूरा कार्ड का डिटेल डालेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो है OTP भेजी जाएगी, वहाँ से आपको OTP वेरीफाई करके पेमेंट कंप्लीट करा लेना होगा। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपके रिवोल्यूशन या रिटोटलिंग जो भी आप कराए हैं उसका जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके रिजल्ट में जो नंबर मिला हुआ है उसे अपडेट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों इस प्रकार से आप घर बैठे ही मोबाइल से ही रिवोल्यूशन, रिटोटलिंग या जो है अपने एंसर शीट की छाया प्रति को मंगा सकते हैं। सो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।